आप लोग भी सोच रहे हो यहाँ पहुँचने का, तो भाई इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मज़ा बहुत आने वाला है इसमें, बहुत सारे कमाल के नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था जब महाराष्ट्र में मॉनसून आएगा तो जनीज लेकर के मैं ज़रूर आऊँगा। तो चलिए आप लोग को मैं आज समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग भी एक हार सेक्शन एंजॉय कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सुबह सुबह की ट्रेन्स लेनी है, चाहे मुंबई पुणे या पुणे मुंबई। सुबह सुबह मुंबई से तो बहुत सारी ट्रेन्स मिल जाती हैं, इंद्रायणी एक्सप्रेस, उसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, जैसे अभी हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन नंबर 12127, इसके बाद डेक्कन एक्सप्रेस, उद्यान एक्सप्रेस, कोयना एक्सप्रेस। बस इससे आगे की गाड़ियाँ मत लेना, वरना आप जो मॉनसून है उसे अच्छे ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर धूप वगैरह अगर थोड़ी बहुत आ गई तो जो कमाल के नज़ारे वो आपको नहीं मिलेंगे। बस आने वाली अपनी ट्रेन, ट्रेन को बोर्ड करते हैं, उसका इंटीरियर वगैरह आप लोग देख लो, फिर हमें निकलना है अपनी जर्नी के लिए। ट्रेन थाने, कल्याण, सब इस जगह पर रुकती है। आपके लिए जो स्टेशन कन्वीनियंट पड़ता है वहाँ से ट्रेन को बोर्ड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें अलग अलग स्टॉपेजेस हैं। जो आपके लिए कन्वीनियंट है उस ट्रेन को आप चूज़ करो, और बाकी हर सेक्शन एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। जर्नी एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है, लेट्स गो। मुंबई पुणे इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। नंबर 107 डाउन मुंबई पुणे इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। काफी साफ सुथरी लग रही है यार गाड़ी तो। तो ये रही अपनी सीट आज की 63-64। बाकी ट्रेन काफ़ी साफ सुथरी लगी यार, पहला इंप्रेशन तो काफ़ी अच्छा है। देखते हैं जर्नी एक्सपीरियंस कैसा होता है इसमें। अपनी दादर से खुल चुकी है 2 मिनट के हॉल्ट पर, ज़्यादा देर नहीं रखती है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यार घाट सेक्शन को, अब 1 साल बाद फिर से मानसून में घाट सेक्शन को देखने वाले हैं। बाकी यहाँ बहुत सारे लोग बजट ट्रिप प्लान कर रहे होंगे, तो आप लोग को मैं बता दूँ कि आपको 105 रुपीज़ यानी 105 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इसके नॉन एसी चेयर कार के लिए, और बाकी जो उसका एसी चेयर कार है उसके 385 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैंने तत्काल में किया था तो 500 रुपये कुछ लगे थे। काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस रहने वाला है यार। लगातार मुंबई में 4 दिन से बारिश हो रही है, तो मैं इसलिए फ्लाइट लेकर गया था ताकि जो वाटरफॉल्स हैं उसमें पानी ज़्यादा होगा, तो ये एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर कर पाऊँ। अभी मुंबई के अंदर ही ये वेदर हो रखा है, देखो आगे तो बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मजा बहुत आने वाला है इसमें।
सिंहगढ़ एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन जो है वो करजत पहुंच रही है, इसके बाद ही मेन घाट सेक्शन शुरू होता है। अभी समय आप लोग को बता दूं 8:20 हो रहा है, इसलिए मैं आपसे मना कर रहा था कि लेट ट्रेन मत लेना मुंबई से, क्योंकि उनको आने में यहाँ पे 1-1.5 घंटा लगेगा और उसके बाद थोड़ी सी भी धूप आ गई ना तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। अभी मौसम अच्छा है, चीज़ें और अच्छी देखने को मिलेंगी। तो भाई करजत से पहले वड़ा पाव वगैरह ले लें, क्योंकि साथ में दोस्त लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो खाते पीते हुए जर्नी को इन्जॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप लोकोमोटिव देख रहे हो ना, ऐसे 2 से 3 लोकोमोटिव हमारी ट्रेन के पीछे लगाए जाएंगे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो ऐसे में सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये बैंकर लोकोमोटिव की तरह हमारी ट्रेन के पीछे लगाए जाएंगे। तो भाई करजत आए हैं, तो यहाँ का वड़ा पाव तो जरूर ही ट्राई करना चाहिए ना। छोड़ दो, इतने साथ चिन्मय भाई और सौरभ भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इसलिए इतने सारे वड़ा पाव लिए। हम लोग को यहीं का पसंद है यार करजत का, वो भी रेड स्ट्रिप वाले। सौरभ ने बताया था दीवारकड़ वाले, क्या नाम है, दीवारकर। तो मतलब मैं हम लोग उन्हीं के लेते हैं क्योंकि टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। अब चलो जल्दी सीट पे, घाट सेक्शन शुरू होगा, वड़ा पाव लेकर दरवाजे में खाते हुए इन्जॉय करेंगे। अपनी करजत से तो निकल चुकी है भाई, बारी इसको टेस्ट करने की। वेट कर रहा था कब टेस्ट करने मिले। एकदम एक नंबर, स्वाद तो काफी जोरदार है। गरम गरम मिला, खत्म कर दिया क्या? हो गया। स्वाद इतना अच्छा था कि भाई ने निपटा भी दिया, मेरा स्टार्टिंग ही चल रहा है। गरम गरम क्रिस्पी वाला फील आता है ना, ठंडे वाले में मजा नहीं आता। लहसुन की चटनी भी डाला है अंदर, वो आप ले सकते हो, चिली वगैरह भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, मांग लेना। लेकिन पर इसे जरूर ट्राई करना अगर इस रूट में आप मानसून में ट्रैवल कर रहे हो। अब हम लोग यहाँ धीरे धीरे घाट को चढ़ रहे हैं, हाइट देख लो अच्छी खासी अटेन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। लगातार बारिश जो है यहाँ घाट में हो रही है। पीछे आपको बैंकर लोकोमोटिव भी दिखाता हूँ जो ट्रेन को धक्का दे रहे हैं, ये देखिए। पीछे की ओर 3 लोकोमोटिव लगाए गए हैं, आगे की ओर 1, और ट्रेन खड़ी चढ़ाई में चढ़ते हुए।
होता है क्योंकि नज़ारे आप देखो यहाँ पे। खंडाना और लोनावला की आप लोग तारीफ सुनते हो, स्टे भर के ऑप्शन देखते हो ना, तो यही है वो जगह। मानसून में तो जन्नत ही हो जाता है पूरा एरिया। सुबह 7 बजे चले थे हम लोग मुंबई से और देखो 9 बजे तक लोनावला। अगर आपको लोनावला घूमना है, खंडाला घूमना है, तो भाई आपके लिए ये गाड़ी भी काफ़ी बढ़िया है। 2 घंटे में आपको यहाँ पर पहुँचा देगी। यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट है तो सपोर्ट लोकोमोटिव या बैंकर लोकोमोटिव से आप कह सकते हो जो ट्रेन में लगाए गए थे ना, उन्हें यहाँ पे हटा दिया जाएगा ट्रेन से। बाकी सुबह ट्रेन अपनी जर्नी जो है 1 घंटे में लगभग तय करेगी पुणे तक के लिए। मज़ा आया, मतलब करजत से लोनावला तक तो मैं सीट के पास भी नहीं गया, पूरा दरवाजे में ही बिताया आप लोग के लिए रूट कवर करते हुए। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखेगा जरूर। इतने लोग यहाँ पे घूमने के लिए उतरते हैं और सबको इस बोर्ड के साथ फोटो चाहिए होता है। संडे के दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए भीड़ और ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे। हाँ, बट अगर आपको घूमना है ना तो यही बेस्ट टाइम है, तैयारी अभी से शुरू कर दो। घाट कवर करने के बाद अपना फेवरेट साबुदाना वड़ा भी ट्राई कर रहे हैं। क्रंची तो है, मतलब ऐसे व्यूज़ मिले, ऐसा खाना मिले, एक ट्रेन जर्नी में कुछ नहीं चाहिए। और मस्त बात तो ये कि बस 3 घंटे की है, मुंबई गोवा जैसे नहीं कि 8-9 घंटे आपको बैठे रहना है। स्लीपर ट्रेन नहीं तो थकते हो जाओगे। 3 घंटा है जिसमें 1 घंटा एंजॉय करो, बाकी 2 घंटा अपनी डेस्टिनेशन पहुँचो। मिलते हैं आप लोगों से सीधा पुणे में, मस्त भागरी ट्रेन पुणे मुलाकात करूँगा। कुछ ऐसा था अपना एक्सपीरियंस, 3 घंटे में पहुँच गए मुंबई से पुणे। जर्नी में काफ़ी मज़ा आया, रूट को हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो ये जो टिप थी ना आज आपकी, कौन कौन सी ट्रेन आपको लेनी, इस चीज़ पे ध्यान देना और साथ साथ टाइमिंग क्या होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें जो हैं आपको रास्ते में मिली जाएंगी। रूट को आप काफ़ी करीब से एंजॉय कर सकते हो, नेचर ब्यूटी को सेफ्टी के साथ अंदर बैठ के एंजॉय करना चाहते हो, विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन लेना। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो पुणे से मुंबई के लिए तो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस और प्रगति एक्सप्रेस सुबह सुबह की बहुत बढ़िया है। दोनों विस्टाडोम कोच मिल जाता है, फैमिली से ट्रैवल करो, अंदर बैठे बैठे व्यूज़ को एंजॉय करो, खाने पीने को एंजॉय करो और ऐसे ही अपनी जर्नी को आप पूरा कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नी एक्सपीरियंसेस के साथ। ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।